कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर आज सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। फिर से हमारे इस रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वाला वीडियो में आप लोग बहुत ही सपोर्ट किए, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए, फिर आज दूसरा वाला रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं। आज जैसे कि 2-4 दिन पहले से सहायक पुलिस कर्मी जिस तरह से रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्थायीकरण के लिए या फिर अपना मानदेय को बढ़ाने के लिए, तो राज्यभर में 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं और उन लोगों का मांग यह है कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए और मानदेय भी बढ़ाया जाए। सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर किस तरह से लाठी मार रहे हैं, ऐसा तो ठीक बात नहीं है। अगर सहायक पुलिस को रखना ही नहीं चाहिए था तो कम से कम उन लोगों को तो पूरा हटा दीजिए, या अगर आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका अपना हक तो दे दीजिए। आजकल के ज़माने में 10,000 में कौन कितना क्या बोलेंगे, अपना परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे कि अभी इतना महंगाई बढ़ गया है। शुरुआत में तो सहायक पुलिस को इसीलिए लिया गया था कि जैसे कि जितना झारखंड में नक्सली एरिया है, उस नक्सली एरिया में जैसे कि नक्सली की गतिविधियों को इंफॉर्मेशन देने के लिए ही उसको रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे में फिर उन लोगों को फिर जिला मुख्यालय में भी, चुना में भी, मतलब जितना भी झारखंड पुलिस का काम रहता है, सहायक पुलिस को पूरा उसी तरह से लिया गया है। तो ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन अभी न्यूज़ में सुने हैं कि 2 दिन पर हेमंत सोरेन ने अभी 1 साल तक के लिए अभी कार्यकाल को बढ़ा दिया है और 25% मानदेय भी बढ़ा दिया है। तो देखते हैं इसमें सहायक पुलिसकर्मी कितना खुश है कि नहीं खुश है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि झारखंड अलग होने के बाद इतना 20-22 साल हो गया, 24 साल हो गया, फिर भी अभी तक यहाँ ना कर्मचारी ठीक से है, ना पुलिसकर्मी पूरी भरपूर है, ना या फिर कोई भी बहाली ठीक से हुआ ही नहीं। इसके चलते झारखंड का जो है स्थिति दिनों दिन बढ़ते के खराब होते जा रही है। और जब भी आप जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए या फिर आप ब्लॉक में जाइए कुछ कागज़ बनवाने के लिए, आपको कई दिन दौड़ना पड़ेगा, तब जाके ही आपका काम बनता है। उसमें कर्मचारी का भी दोष नहीं है, क्योंकि एक कर्मचारी के ऊपर इतना सारा बोझ रहता है कि आप उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो काम करेगा भी तो इतना कैसे कर सकता है कभी। अगर सही सलामत झारखंड सरकार सही मायने में अगर वो झारखंड को विकास करना चाहता है, तो कम से कम जितना वैकेंसी खाली है वो सबको तो कम से कम अभी भरना ज़रूरी था। लेकिन अभी तक देखो, हेमंत सोरेन का सरकार अभी पूरा 4 साल ख़त्म हो गया, फिर 5 साल भी ख़त्म होने जा रहा है और 3-4 महीना बचा है। इसमें अभी फॉर्म निकलेगा, फिर बहाली के लिए अगले कब बहाली होगा, कब नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं अभी। फिर भी अगर इस बार हेमंत सोरेन सरकार अगर कुछ जैसे कि प्रशिक्षक हो गया उसको अगर रेगुलर करता है, परमानेंट करता है, या फिर सहायक शिक्षक लोग को भी अगर रेगुलर करता है, उसके बाद अभी होमगार्ड का तो चल ही रहा है, होमगार्ड को भी अगर झारखंड पुलिस जिस तरह से उन लोगों को मानदेय मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसी तरह अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शायद ऐसे नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले 4 साल में, 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाया और अभी 3 महीना में वो क्या कर पाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो किस तरह से देखें, इस तरह से सहायक पुलिस को खुद ही पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जोहार।